कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि विष्णु के लिए अलग शंख बजाया जाता है और शिव के लिए भिन्न। दुर्गा का यज्ञ हो रहा है तो कौन सा शंख बजेगा, गाढ़ापत्ते यज्ञ है तो कौन सा बजेगा। सच मानिए, गुरुओं के आगमन पर शंख अलग प्रकार से बजाया जाता है। तू ऐसे बज रहा है शंख तो विष्णु के लिए तू तू तू। ये पता है किसके लिए? महादेव के लिए तू, दुर्गा के लिए। शंख का ही नहीं पता आपको शंख कैसे बजेगा, उसकी ध्वनि से ही तो पता लगेगा। मैं पहाड़ पर रहा हूं, वह ढोल सुने हैं मैंने, मर जाए तो ढोल बजाते, बच्चा पैदा हो गया तो ढोल बजाते। मैं उत्तरकाशी रहा, वह ढोल बजता था उन दिनों जब मैं था अर्ली 80s में, मैं वहां था, बहुत अर्ली 80s में मैं पहाड़ पे था। ढोल कैसे बजेगा? बहुत दिनों के बाद मुझे पता लगा कि ये मरने पे ढोल ऐसे बजता है, बच्चा पैदा हो गया ढोल ऐसे बजेगा, गांव को इकट्ठा करना है ढोल ऐसे बजेगा, और ढोल देवता जग जाते। आज भी वहां के ढोल पर देव जागृत हो जाते हैं, और देखने हो तो आओ पहाड़ पर, और उनकी मस्ती और उनका उत्सव देखना हो तो चलो कुल्लू का दशहरा दिखाएं आपको, या कि मकर संक्रांति का उत्तरकाशी का मेला दिखाएं आपको, डोलियों का आगमन हमारे कुंभ के मेले पर, किस तरह से पहाड़ के देवता आते हैं, स्वर से पैदा हो जाएंगे।